नए परिवहन कानून को लेकर जहां पूरे देश भर में ट्रक चालकों द्वारा विरोध जताया जा रहा है, तो वहीं आज दुर्ग में भी बस चालकों ने इसका समर्थन देते हुए अपना विरोध जताया। साथ ही दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामलों में सख्त नियम हो गए हैं। नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है, जिससे पूरे देश भर में ट्रक और बस चालकों ने इस काले कानून पर अपना विरोध जताते हुए अपनी वाहनों को खड़ा कर दिया, इस कानून का विरोध जताया। इसी कड़ी में आज दुर्ग में साल के पहले दिन से अनिश्चितकालीन दिनों तक अपने बसों के पहिए को रोककर सभी बस चालकों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन कर आवाज उठाई। साथ ही दुर्ग कलेक्टर पहुंच महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ऑल ड्राइवर एसोसिएशन जिला दुर्ग के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बस चालकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम गुहार लगाई। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। बना है ये तो मुझे बेबुनियाद सा लग रहा है, और मेरे ख्याल से ये जो कानून के हिसाब से जो ड्राइवरों के ऊपर जो विपत्ति आएगी गाड़ी चलाने के समय, उसका कोई प्रावधान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इससे उनके बाल बच्चे भी भूखे मंगे मरेंगे। अगर वो 10 साल की सजा काटते हैं तो उनके परिवार को कौन पालेगा, और अगर वो बचाने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं तो पब्लिक अलग मारेगी। तो इसका मतलब बीच में मतलब पिस्ता बीच में ड्राइवर ही है, जबकि ड्राइवर के कारण ही पूरी अर्थव्यवस्था अपना भारत में चलता है, इधर का माल उधर हर चीज पूरी व्यवस्था वही करता है। अगर इसके हिसाब से भी अगर हम ड्राइवरों को अगर आप लोग कमजोर समझते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, और बहुत तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज जब हम लोग बैठ जाएंगे ना, सारे के सारे बैठ गए आज से, और हम अनिश्चितकालीन बैठ गए हैं, आप यहाँ से आपको पता लगेगा कि क्या होता है, कि ड्राइवर क्या है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। हम बैठ गए हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको खाली बैठ जाना है। ये हम चाबी रख दी गाड़ियों की, और हमने अपना लाइसेंस भी फाड़ दिया है, और हमको गाड़ी नहीं चलाना है। हम मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे, लेकिन 10 साल की सजा नहीं होगी। हम सब चालक भाई हैं, ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, सभी प्रकार के सब भाई लोग हैं। हमारी ये मांगे हैं, जो कानून लाया गया है उस कानून को वापस लिया जाए। मोदी साहब और अमित जी से ये कहना है मेरा, और हमारा ये कहना है कि देखो, कोरोना काल से लेकर सभी चीज़ में ड्राइवर भाई ने पूरा सहयोग दिया, दूध हो, ब्रेड हो, हर चीज़ यहाँ से वहाँ पहुँचाया गया है, दवाई हो, हर चीज़, चाहे अपना ऑक्सीजन है, सभी चीज़ पहुँचाया गया है। उसके बाद भी हमारे ऊपर ये कानून लाया गया है कि अगर कोई गाड़ी में आके घुस जाए, उसको अगर आप छोड़ के भाग जाओगे तो आपको 10 साल का जेल, 7 लाख रुपये जुर्माना। ड्राइवर का सैलरी कितना है ये बता दे पहले अमित शाह जी, ड्राइवर का सैलरी कितना है जो 7 लाख रुपए जुर्माना दे सके, और 10 साल अगर वो जेल चला जाएगा तो उसकी फैमिली का क्या होगा, उनके बाल बच्चों का क्या होगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ड्राइवर अपने मर्जी से एक्सीडेंट नहीं करता, हो जाता है, लेकिन वो चाहता है कि उसको हेल्प करे, लेकिन क्या है, पब्लिक की मार की वजह से वो भी डरा हुआ रहता है, इसीलिए आदमी हेल्प नहीं कर पाता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।